हेलो फ्रेंड्स, विजन एकेडमी वेलकम्स यू। माई सेल्फ प्रशांत सर। टुडे वी शैल फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। आज हम स्क्वायर रूट पता करेंगे डेसिमल नंबर्स का, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना भी बिल्कुल इसके पिछले जो आपने वीडियो देखा होगा बिल्कुल वैसा ही है, सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा पेयरिंग के टाइम इसको ध्यान से देखना पड़ता है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए वाला पार्ट हमने यहाँ पर लिया है, इसको हम करते हैं, ठीक है। 1398.76। अब सबसे पहले हमें ध्यान देना है इसकी पेयरिंग पे कि पेयर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो डेसिमल से पहले हम राइट साइड से लेफ्ट साइड तरफ जाएंगे, यानी कि इधर से इधर को जाएंगे, ठीक है ना। और डेसिमल के बाद हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, ठीक है ना। ये तो हो गई पेयरिंग। पेयरिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने पीछे किया था है ना, बिल्कुल वही करेंगे, ठीक है। अब देखो 13 है यहाँ पर, तो 13 किसका नियरेस्ट स्क्वायर है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, यानी 4 का ज़्यादा हो जाता है तो हम त्रीजा लगाएंगे, 3 3 9, ठीक है ना। कितना बचा, 4 बचा। अब ऊपर 3 लिखा है तो 3 यहाँ लिखेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 3 और 3 होता है 6, ये 6 लिख लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। 3 और 3 होता है 6 लिख लिया। अब क्या करना है हमको, अगला पेयर 98 उतारना है। 98 अगला पेयर उतारने के बाद अब 6 से 49 डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 48 होता है, 8 जा करेंगे, अगर हम 8 यहाँ लगाते हैं तो 8 ही हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। तो 68 8 जा करने पर ही थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, चाहो तो आप करके देख लेना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 जा लगाएंगे, 7 जा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। 7 जा लगाएंगे वहाँ, तो 7 ही यहाँ लगाएंगे। अब 67 7 जा कितना होता है करके देख लेते हैं, 7 7 जा 49 है ना, कैरी 4, 7 6 जा 42 42 और 4 कितना होता है, 46 होता है, 46, ठीक है ना। 42 और 4 46 होता है। अब क्या करना है भैया, माइनस करो इसको, 18 में से 9 गया, 9 आएगा, है ना। थोड़ा सा साफ लिखें, एक तो स्क्रीन राइटिंग बहुत टफ वर्क है बेटा, करके देख लेना आप लोग। तो 18 में से 9 गया, 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा 8 8 में 6 गया, 2 आएगा। अब क्या करना है, डेसिमल का बाद का पेयर उतारना है, तो डेसिमल लगाने के बाद ऊपर डेसिमल लगा लेंगे हम, यहाँ पर डेसिमल लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाने के बाद ही हम अगला नंबर उतारेंगे। एक मिनट, ये डेसिमल लगा लिया, डेसिमल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये 7 6 यहाँ उतार लेंगे, ठीक है ना। और ये जो 7 ऊपर लिखा था, 7 यहाँ लिखेंगे, ऐड कर देंगे, कितना होगा, ये हो जाएगा 7 7 14, 6 7 7 74 आ गया। अब 7 की टेबल 29 में, 7 4 जा होता है ना, तो 28 होता है, तो 4 जा लगा के देख लेते हैं, 4 यहाँ लगेगा, एक मिनट, 4 ही यहाँ लगेगा, अब लगाते हैं, ठीक है। 4 वहाँ लगाएंगे तो 4 हमें नीचे भी लगाना पड़ेगा। अब 744 4 जा के मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 कैरी 1, 4 7 जा 28 1 29,
यानी कि ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा पूरा आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 13.9 13 1398.76 का स्क्वायर रूट जो आया कितना आया, तो 37.4 आ गया, तो इक्वस टू 37.4 लिख लेंगे, यही आंसर है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में उतार लेना, ठीक है, और इसके शॉर्ट ले लो, इसको नोट डाउन कर लेना। इसका मैं एक पार्ट यहाँ पर और करूँगा, तब आपको अच्छे से डेसिमल का समझ में आ जाएगा। तो अगला हमने एच वाला पार्ट लिया है 1.0201, तो इसको करके देख लेते हैं। 1.0201 ये है, ठीक है, इसको अब हम करेंगे, वही काम करना है पेयरिंग वाला। सबसे पहले तो डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट, और डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट, एक मिनट, इधर से इधर जाना है, ठीक है ना। अब वही काम करना है जो करते आए हैं, तो वन वन जा वन होता है, ठीक है, वन में से बन गया कुछ नहीं बचा, है ना, ऊपर वन लिखा, नीचे वन लिखेंगे, यहाँ पर वन के नीचे फिर हम इसको ऐड कर देंगे, वन नहीं चल रहा है, वन ओ वन टू होता है, ठीक है, वन में से बन गया कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद पेपर उतारना, डेसिमल लगाने के बाद अगला पेयर हम 0 2 उतार लेंगे। अब टू से अगर हम यहाँ पर वन भी लगाते हैं, यहाँ पर वन लगाते हैं तो यहाँ वन लगाएंगे और ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 लगाना है ना, हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे और अगला पेयर 0 1 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, बंजा यहाँ लगाएंगे, बंजा यहाँ लगाएंगे, 201 बन जा 201, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना, 1.01, इसको लिख देंगे 1.01, तो यही आंसर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पार्ट भी आप उतार लीजिए, और ये पिछला वाला था इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ले लिया ना इसका स्क्रीनशॉट, ओके। अब एक बार इसका ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग होमवर्क में करेंगे और बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना, ओके।